हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन मार्ट। माई सेल्फ शिल्पा। सो आज जो वीडियो लेके आई हूँ वो सेल रेंज प्रोटेक्शन के ऊपर लेके आई हूँ मैं। देखिए, आप एक्सेल में अगर चाहते हैं अपने कुछ पार्ट ऑफ सेल को प्रोटेक्ट करना, लेट से जहां पे आपका सिर्फ डेटा है उसी पार्ट को प्रोटेक्ट करना, बाकी सारी शीट पे आप इतने सारे एक्सेल के सेल्स हैं, आप उसे भी थोड़ी प्रोटेक्ट कर, हम क्यों छोड़े। तो हम चाहते हैं सिर्फ जितना पार्ट मेरे डेटा का है उतना पार्ट में प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ, और उसके अलावा जो एक्सेल के सेल्स हैं वो सारे अनप्रोटेक्ट रहे, उस पे मैं काम कर सकूं। तो इस तरीके की प्रोटेक्शन हम किस तरीके से देते हैं एक्सेल में, वो आज आपसे शेयर करने वाली हूँ। बाकी और तीन तरीके की प्रोटेक्शन ऑलरेडी मैंने अपनी वीडियो में शेयर कर रखा है अपने चैनल पे, तो जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो उसे क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं सेल रेंज प्रोटेक्शन इन एक्सेल। देखिए, सेल रेंज प्रोटेक्शन मीन्स कि आप पर्टिकुलर सेल्स को ही प्रोटेक्ट करना चाहते हो एक्सेल में, तो वो किस तरीके से किया जाता है, उसकी कुछ स्टेप्स होते हैं, वो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड में मैं आपको एक ट्रिक दूंगी जो आपके लिए बहुत यूजफुल रहने वाली है। सो चलिए अपनी चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो चलिए, जैसे आप देख पा रहे हैं इस डेटा में यहाँ पे मुझे सिर्फ अपने इतने सेल्स को ही प्रोटेक्ट करना है। जैसे मेरा डेटा इतना है तो मैं इतने पार्ट को ही प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। तो गाइज, उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आपको इस ट्रायंगल बटन पे क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक में एक ऑप्शन मिलेगा, दैट इज फॉर्मेट सेल्स। फॉर्मेट सेल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए आपको एक डायलॉग बॉक्स में ऑप्शन मिलेगा प्रोटेक्शन। जैसे ही आप प्रोटेक्शन पे जाएंगे, इसे यहाँ पे देखिए ये लॉक्ड हुए हैं। इट मींस लॉक्ड मींस जितना पार्ट आपका एक्सेल शीट का लॉक्ड होगा उतना ही पार्ट प्रोटेक्ट हो सकता है। तो अभी यहाँ देखिए पूरी शीट मेरी क्या है, लॉक्ड। तो लॉक्ड का मतलब है अगर मैं प्रोटेक्ट शीट पे पासवर्ड देती हूँ तो आपने देखा होगा वो मेरी प्रोटेक्ट हो जाती है शीट। तो मैं इसे क्या कर रही हूँ, फिलहाल के लिए अनलॉक। इट मींस अब मैं अपने एक्सेल का कोई भी सेल प्रोटेक्ट नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैंने इसे अनलॉक कर दिया, और मैं इसे ओके कर देती हूँ। अब जितना पार्ट आपको प्रोटेक्ट करना है उसे सेलेक्ट कीजिए, अगेन राइट क्लिक कीजिए, और अगेन आप फॉर्मेट में जाइए, और अब आप इसे क्या कर देंगे, यहाँ पे जस्ट लॉक प्रेस कर दीजिए। अब इसका मतलब क्या हुआ है कि आपने सिर्फ अपने एक्सेल के इतने ही सेल्स को लॉक में रखा हुआ है। इट मींस जितना पार्ट लॉक है, मैंने क्या कहा आपसे, जितना पार्ट लॉक होगा उतना पार्ट प्रोटेक्ट हो पाएगा। तो मैंने लॉक में कितने सेल्स को रखा है, सिर्फ इतने पार्ट को, और अब मैं यहाँ ओके प्रेस कर रही हूँ। और अब देखिए, मैं अपनी शीट पे अगर प्रोटेक्ट शीट पे जाके पासवर्ड देती हूँ, लेट्स से 1 2 3 4 5 6, हम नॉर्मल सा पासवर्ड दे रहे हैं, एंड अब आप गाइस देख सकते हैं मैं यहाँ काम कर रही हूँ, हो रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ काम कर रही हूँ तो वो मेरे उन सेल्स पे काम नहीं करेगा। इट मींस हमने क्या किया है, सिर्फ अपने पार्ट ऑफ सेल्स को ही प्रोटेक्ट किया है। तो पार्ट ऑफ सेल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आप इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी ट्रिक की तरफ। तो मैंने आपको क्या कहा था, मैं आपसे एक ट्रिक शेयर करने वाली हूँ। देखिए, बहुत कम लोगों को नॉलेज होती है वीबीए मैक्रोस की, कोडिंग्स की, जो एक्सेल का आगे का ऑटोमेशन पार्ट है वो भी मैं आपके लिए आगे वीडियोस में लेके आने वाली हूँ बहुत ही सिंपल तरीके से। तो आप घर बैठे ही मेरी वीडियोस को देखते हुए वीबीए मैक्रो कोडिंग को सीख सकते हैं। बट उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको मेरी वीडियोस का अपडेशन मिलता रहेगा, बेल बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको मेरा नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि मेरी कौन सी वीडियो अब अपलोड हुई है। सो अब मैं आपको जो ट्रिक देने वाली हूँ वो ट्रिक क्या है, लेट्स से मुझे बिना प्रोटेक्शन पासवर्ड के अपनी शीट का स्क्रॉल एरिया को ब्लॉक करना है। इट मींस मेरा स्क्रॉल एरिया सिर्फ इसी पार्ट में घूमता रहे, या मेरा स्क्रॉल एरिया सिर्फ इसी पार्ट में घूमता रहे, तो वो मैं कैसे कर सकती हूँ, चलिए वो बताती हूँ। आप डेवलपर टैब में जाइए, डेवलपर टैब में विजुअल बेसिक, बेसिक को जैसे ही आप खोलते हैं तो देखिए इस तरह से आपका ओपन होता है। यहाँ देखिए मेरी सारी अपनी एक्सेल वर्कबुक की शीट्स आ रही है, तो मुझे प्रोटेक्शन जो लगानी है मेरी शीट पे लगानी है, शीट वन पे। तो शीट वन पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं, नीचे देखिए यहाँ एक ऑप्शन आता है स्क्रॉल एरिया। स्क्रॉल एरिया में मैं यहाँ क्लिक कर रही हूँ, और यहाँ क्या सेल नंबर लिख रही हूँ ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ सेल नंबर लिख रही हूँ J1 to J3, और एंटर प्रेस कर दे रही हूँ। मैंने क्या लिखा, J1 to J3। अगर मैं अपनी शीट पे जाऊं तो J1 to J3, और अब मैं वापस से इस पे आ रही हूं और इसे क्या कर देती हूँ, यहां से बंद। और अब देखिए अगर मैं इसे यहाँ क्लिक कर रही हूं, मैं कहीं क्लिक नहीं कर पा रही हूं, और अगर मैं अब यहां देखूं एंटर प्रेस करके,
तो सिर्फ मेरा कर्जन इन्हीं तीन सेल पे घूमेगा, इससे ज्यादा वो कहीं नहीं जाएगा। इट मीन्स कि आपने प्रोटेक्शन भी दे दी और आपने कोई पासवर्ड भी नहीं दिया। आप किसी को भी कंफ्यूज कर सकते हैं इस पार्ट से कि ये हो क्या रहा है। सिर्फ कर्जर जहां चाहेंगे उसी पार्ट में स्क्रॉल करेगा, उसके अलावा वो एक्सेल की किसी सेल में नहीं जाएगा। तो आपको जस्ट इतना सा काम यहां जाके अपने सेल्स को अपडेट करना है कि आप वो स्क्रॉल एरिया कहां चाहते हैं। है ना मजेदार ट्रिक? तो ऐसी ही एक्सेल ट्रिक्स के लिए आप मेरे चैनल को ज्वाइन कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए ये वाली न्यू ट्रिक आपको कैसी लगी। सो कीप वॉचिंग माई चैनल एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज। बाय बाय।